बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है रेगुलेटिंग फूड सप्लाई। अब जब हम फूड सप्लाई की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए। एक तो फूड की शेल्फ लाइफ और दूसरी उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। और थर्ड नंबर पे अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो हमें टारगेट कंज्यूमर की बात होगी। जो हमारे पास फूड आइटम प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो पेरिशेबल होते हैं, सेमी पेरिशेबल होते हैं, स्टेबल फूड्स होते हैं। अब यहाँ पे जब हम पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और स्टेबल फूड्स की बात करते हैं, पेरिशेबल फूड्स वो होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे मीट है, मिल्क है। सेमी पेरिशेबल फूड्स ऐसी होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स होती है, अप टू 3 मंथ्स तक चली जाती है। तो ऐसी फूड्स को भी क्या किया, जब हम किसी टारगेट कंज्यूमर तक, किसी टारगेट कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं, तो उसमें जो डिस्टेंस कवर करते हैं, जो ट्रैवलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, उस पे जो टाइम लगता है, उस में क्या है, फूड ख़राब ना हो, उसको भी मॉनिटर करना होता है। और थर्ड हम बात कर रहे थे स्टेबल फूड्स, ऐसी फूड्स जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, 3 ईयर्स तक हो सकती है। जैसे सीरियल ग्रेन्स हैं, वीट है, तो इनके जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम होता है। जब मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो इनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब एक तो हमारा ये साइट हो गई। दूसरी साइट है कि हमारे पास जो टारगेट कंज्यूमर है, जो सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, या हमारे पास जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बिग सिटीज़ हैं, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप ये है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमर हैं जबकि प्रोड्यूसिंग ना होने के बराबर है इन एरियाज़ में। जब प्रोडक्शन ना होने के बराबर है तो इन एरियाज़ को भी फीड करना क्या है, ज़रूरी है। जब इन एरियाज़ को फीड करने की बात आती है तो यहाँ पे आता है रोल ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फूड टेक्नोलॉजिस्ट किस तरीके से क्या करते हैं, फूड को प्रिवेंट करते हैं वेस्ट होने से। ये वेस्टेज जब प्रिवेंट होगा, ये स्पॉयलेज जब फूड की प्रिवेंट हो जाएगी, तो फूड क्या है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रिजर्व हो जाएगी। जब प्रिजर्व हो जाएगी तो फार ऑफ प्लेसेस पे भी क्या की जाएगी, फूड सप्लाई की जा सकेगी। और उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे फूड प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे बिग सिटीज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर भी क्या की जाएगी, फूड सप्लाई की जा सकती है। ये बेसिक रोल है टेक्नोलॉजिस्ट का, फूड टेक्नोलॉजिस्ट का, जिससे ये पॉसिबल हुआ है कि फूड को नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के अंदर सप्लाई किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें एरियाज़ की, के उनकी जो डिमांड है, इन एरियाज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो हम सीजनल वेरिएशंस की भी यहाँ पे बात करते हैं। डिमांड और सप्लाई की बात जब होती है तो फिर सीजनल वेरिएशन, जो हमारे पास एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं, या हमारे पास फीडिंग क्रॉप्स होती हैं, तो ये हमारे पास जो फीड या फॉर्डर हम जानवरों के लिए बात करते हैं, तो हमारे लिए जो क्रॉप्स होती हैं, ग्रेन क्रॉप्स हैं, तो इनकी, या दूसरी हमारे पास वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, इनकी क्या है, एक जो रेंज प्रोडक्शन की है उसको जब बिग सिटीज़ के अंदर प्रोवाइड करना है, तो इन बिग सिटीज़ के अंदर प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो फूड को प्रिजर्व कर सके और फार ऑफ प्लेसेस के साथ साथ नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के अंदर भी सप्लाई की जा सके। यहाँ पे देखें, जो वेजिटेबल ग्रोइंग एरियाज़ हैं इंटीरियर सिंध के अंदर हैं, ये क्या करते हैं, कराची को सप्लाई करते हैं, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद को। क्यों? क्योंकि ऐसी टेक्निक्स इवॉल्व हो चुकी हैं जो फूड को प्रिजर्व करती हैं, उसको एक तो फिजिकल डैमेज से बचा रही होंगी और दूसरा मैकेनिकल डैमेज से बचा रही होंगी। केमिकल जो उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उसको भी प्रिवेंट कर रही होती हैं बाय मॉनिटरिंग देयर इन्वायरमेंट एंड देयर इंटरनल कंपोजिशन। इसी तरीके से अगर हम NWFA की बात करते हैं और बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो बहुत मिकदार के अंदर ये क्या करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। अब जो फ्रूट्स हैं ये भी हमारी डाइट का एक अहम पार्ट है, तो ये पंजाब तक, सिंध तक सप्लाई होते हैं और फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए भी क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। महीनों ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड सप्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज के इलाकों तक। दूर दराज के इलाकों तक कैसे? यहाँ पे अगर हम ग्रेप्स की बात करें, एप्रिकॉट की है, पीचेस की, प्लम्स की, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? कोल्ड एरियाज ऑफ NWFP एंड बलोचिस्तान। दीज एरियाज आर मेजर साइट्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स विच आर ग्रोन मोस्टली इन द टेम्परेट रीजन्स। दीज टेम्परेट रीजन्स हैव ओनली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड गुड टेक्नोलॉजी टू सप्लाई द फूड टू फार ऑफ प्लेसेस। वेन दीज फूड आर सप्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस देन देर इज अ चांस टू अर्न मोर मनी, देर इज अ चांस टू ग्रो। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारी जो बेसिक ग्रोथ है वो मनी के साथ एक्सपेक्टेड होती है, वो एसोसिएटेड होती है विद द एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट चीज़ें कर रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे होते हैं। व्हेन वी अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज देन देर इज मोर ग्रोथ ऑफ द फार्मर, ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, जो सिंध में ग्रो होती हैं, पंजाब के अंदर सप्लाई होती हैं जब पंजाब के अंदर वेजिटेबल प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, एंड द सेम वे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर बीइंग एक्सपोर्टेड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। दीज आर मोस्टली एक्सपोर्टेड टू मिडल ईस्ट टू रिसीव फ्रेश फ्रूट्स। मिडल ईस्ट एंड वेजिटेबल प्रोसेस टू फूड्स फ्रॉम पाकिस्तान। मिडल ईस्ट मोस्टली द रीजन विच इम्पोर्ट द वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रॉम इंडिया, इंडियनिक ओशियंस, ठीक है ना, इंडियनिक रीजन्स विच आर द सब कॉन्टिनेंट रीजन्स, बिकॉज दिस रीजन इज द रीजन विच हैव लेस लोड ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, लेस लोड ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। जब लेस लोड की बात आती है जब तो यहाँ पे क्वालिटी एक बेटर आती है। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं अगर हम अपनी वीट की बात करते हैं, अपने वेजिटेबल्स की बात करते हैं, एज कम्पेयर टू डिवेल्प्ड कंट्रीज देर इज लेस चांस ऑफ हैवी मेटल्स, देर आर लेसर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज बिकॉज अ फार्मर इज अ पुअर फार्मर एंड ही कैन नॉट अफोर्ड द मोस्ट कॉस्ट। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स अप्लाई कर रहे होंगे, वो ऐसी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे होंगे जो अल्टीमेटली हेल्थ को डैमेज कर रही होती हैं ज़्यादातर। इसलिए अगर आप जापान की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी है जो क्या करती है विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंड करती है। उनकी फ्रूट क्या होती है, वेजिटेबल ऑर्गेनिकली ग्रोन होती हैं। तो इनकी जो फार ऑफ प्लेसेस तक मिडल ईस्ट से जो हम क्या करते हैं फ्रूट मंगाते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स मंगाते हैं, या पाकिस्तान से मिडल ईस्ट या इंडियन से मिडल ईस्ट क्या करता है प्रोसेस्ड फूड्स मंगाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मंगाता है, फ्रेश कमोडिटीज मंगवाता है, तो ये क्या है ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया है, फार्मर को हेल्प की है, फार्मर को टेक्नोलॉजीज दी हैं कि वह अपनी कमोडिटीज़ को स्टोर हाउस के अंदर, वेयर हाउसेज के अंदर स्टोर कर सकें, कोल्ड चेन्स के अंदर स्टोर कर सकें, ताकि उनको क्या किया जा सके फार ऑफ प्लेसेस में सप्लाई किया जा सके। एंड वी विल सप्लाई टू दोज एरियाज विच आर इनएडिकेटली प्रोड्यूसिंग द फूड। थर इज प्रोड्यूसिंग नन ऑफ द फूड आइटम एट इफ प्रोड्यूसिंग एट लोअर अमाउंट्स। तो जब ऐसे रीजन्स की बात आती है ना, फार ऑफ प्लेसेस की बात आती है, तो फिर क्या फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल आता है, जिन्होंने फूड को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और जिससे क्या है फूड आज बहुत ज़्यादा जो वैरायटी है मार्केट के अंदर फूड की अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस आसानी, व्हेन वी टॉक अबाउट ईज, ईज ऑफ द कंज्यूमर देन देयर इज अ
lot of the talks about the women's which are earning a lot of money in term of a private sector, in government sector. These women are associated with a lot of NGOs, lot of government schools, lot of hospitals, lot of other paid professions. If these women are in kitchen and not and focusing on only preparing their vegetables, preparing meat, cutting vegetables and so on, preparatory operations, washing, grinding, blending and producing a lot more, then these women can't work in paid professions. When these women are can't work in paid professions, these women will not earn a handsome amount. जब हैंडसम अमाउंट अर्न नहीं कर सकेंगी तो उनका जो फैमिली जिसे हम बूस्ट अप कहते हैं, तो बूस्ट अप नहीं होगा, फैमिली बूस्ट अप. ये फैमिली बूस्ट अप क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी भी सोसाइटी को कि वो खुशहाली की तरफ जाएं, क्योंकि आजकल खुशहाली को किस चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है, मनी के साथ, सोशल स्टेटस के साथ एसोसिएट किया जाता है. तो इन हाउसवाइफ्स को किसने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने. कैसे कि ऐसी टेक्निक्स डिवेलप की हैं जिनसे फूड को क्या किया जाता है, सेमी प्रोसेस्ड फूड्स मिल जाती हैं, प्रोसेस्ड फूड्स मिल जाती हैं, रेडी टू ईट फूड्स मिल जाती हैं, रेडी टू ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगी, ड्रिंक्स मिल जाएंगी, जैसे बेवरेजेस हैं, इंस्टेंट टी मिल जाएगी आपको, कॉफ़ी मिल जाएगी आपको, क्या है जो सेमी प्रोसेस्ड आपको चिकन मिल जाता है, सेमी प्रोसेस्ड आपको वेजिटेबल्स मिल जाती हैं. जस्ट आपने किचन में जाके उसको हीट अप करना होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं. आपने उसको कुक करना है, सिर्फ आप उसको कुक करने के बाद यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट की अनथक मेहनत की वजह से डिवेल्प हुई, लोगों की जिंदगियों को आसान बना दिया है. और इस आसानी की वजह से जो ट्रीटमेंट दी जाती हैं, यहाँ पे देखें समोसा, पिज़्ज़ा, फ्रीज फ्राई और बेक क्या है सर्व हो सकते हैं, हलीम है, खीर मिक्स है, रस मलाई है, इस तरीके से लॉट ऑफ आइटम्स कैन बी आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ऑल ऑफ द सोसाइटी डिपेंडिंग अपॉन देयर buying power, purchase power. If there is purchasing power, then you can buy anything in the market available. Even के आप किसी भी person को purchase करना चाहें तो आप purchase कर सकते हैं. Food scientists are working around the clock all over the world to provide safe, wholesome and nutritious foods at the reach of the consumer. ठीक है, ऐसी इसके अलावा रीच ऑफ द कंज्यूमर के लिए जो फूड प्रोड्यूस हो रही हैं, कंज्यूमर आउटलेट, कंज्यूमर डोर स्टेप तक जो फूड प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके साथ साथ जो फूड साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो फूड की जो क्वालिटी है उसको भी चेंज कर रहे हैं बाय इन्हांसिंग देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, बाय डिक्रीजिंग, बाय रिमूविंग अ स्पेसिफिक हेल्थ हैजर्डियस कंपोनेंट. इन्हांसमेंट कैसे है, इनरिचमेंट कैसे है, फोर्टिफिकेशन कैसे है, वो फूड्स के अंदर क्या करेंगे, मिनरल्स ऐड कर देंगे जो नीड ऑफ द सोसाइटी होंगी, वो जैसे आयरन है, फोलेट्स हैं, विटामिन्स ऐड कर देंगे, प्रोटीन्स ऐड की जाएंगी, फैट को रिमूव किया जा सकता है, डिफरेंट पोर्शंस हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं, उनको क्या किए जाएंगे, रिमूव किया जा सकता है. तो ये जो डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट की इन्वेंशंस हैं कि फूड को किस तरीके से हमने फॉर लॉन्गर एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम सेफ फॉर द कंज्यूमर बनाना है. अब यही मैंने जैसे बात की है ऑल्टरिंग द वैल्यू, तो रेडी टू ईट फूड्स है, रेडी टू ड्रिंक्स हमारे पास ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा स्पेसिफिक हेल्थ यूज़ की हम जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक हेल्थ यूज़ के लिए भी फूड टेक्नोलॉजीज ने क्या की है, स्पेसिफिक फूड डिवेलप्स की हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कैंसरियस पेशेंट्स हैं, डिफरेंट हेल्थ डैमेजेस हैं जिनके,
तो उनको फीड करने के लिए भी फूड टेक्नोलॉजीज ने जैसे बच्चों के लिए इन्फेंट फार्मूलाज हैं, तो जो बड़े हैं उनके लिए क्या हैं कंप्रोमाइज पीपल्स हैं उनके लिए ऐसी फूड्स डेवलप की हैं जो इम्यूनो बूस्टर हैं। तो डिफरेंट सोसाइटी के लिए, डिफरेंट सोसाइटल इंटरेक्शंस के लिए डिफरेंट फूड आइटम अवेलेबल हैं इन द मार्केट। आप अगर देखेंगे तो मार्केट भरी पड़ी है फूड आइटम से, जो भी आप लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ फिर वही बात मैं करूँगा, परचेज पावर की बात है। इफ़ यू कैन परचेज अ शेल्फ देन यू कैन परचेज विद मनी। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ डायमंड, इफ़ यू हैव मनी यू कैन। आप कुछ भी लेना चाहें तो आप एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ अपनी रकम के साथ आज के आसान दुनिया में खरीद कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।